हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यार आज दिन है रविवार, और रविवार को आज दो बार बारिश हो गई यहाँ पे। और यार बारिश की ज़रूरत भी थी यहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम आया, दो महीना हो चुके हैं। तो यार अभी तो बारिश हो रही है, बारिश बंद होती है तो आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं बारिश का पानी किस तरह से रोड पर बह रहा है। तो यार फाइनली बारिश हो चुकी है बंद। तो यार बारिश बंद होने के बाद जो व्यू देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अलग है, आप देख सकते हैं। और यार ये जो मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, वो सीधे कोयल नदी की तरफ जाती है। वहाँ से आप जाएंगे तो सीधे कोयल नदी पहुँच जाएंगे। तो यार चलिए आप लोगों को थोड़ा कोयल नदी का भी व्यू दिखा देते हैं। तो यार ये छोटी रिवर मिल गई रास्ते में बड़ी रिवर पहुँचने से पहले, बिकॉज अभी जो बारिश हुई है उसी की वजह से ये रिवर उत्पन्न हो चुकी है। तो चलिए इसको भी क्रॉस करते हैं। इधर देख सकते हैं किसी का गाय, किसी का बकरी, सब इधर आकर चरते रहते हैं, क्योंकि इधर हरियाली है और खुला भी है। और ये जो बिल्डिंग उठी हुई है पानी टंकी की, पानी को फिल्टर करने के लिए, यहाँ पे पहले हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पे कितने बार टूर्नामेंट भी हो चुका है, बट फिर धीरे धीरे यहाँ पे बिल्डिंगें उठने लगी। तो यार देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं कोयल नदी के पास, और यहीं पे एक और है सूर्य मंदिर। ये देखिए पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को सूर्य मंदिर, और ये रहा नदी। फिलहाल इस बार तो बता चुका हूं आप लोगों को कि बारिश बहुत ही कम हो चुकी है। तो यार इस बार तो यहां पे बारिश बहुत कम होती है, एकदम बहुत कम हुई है, मात्र दो बार आज हुई है और एक कल परसों हुई थी। तो बारिश हुई ही नहीं थी एकदम, इसी के चलते नदी में पानी कम था। आज और कल थोड़ा बारिश हुई है, इस वजह से इतना पानी भी हुआ है। और यार छठ पूजा तो जानते होंगे, यूपी बिहार और झारखंड का बहुत ही श्रद्धा से मानने वाला पर्व है। तो इधर देख सकते हैं इधर ही छठ पूजा ही मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है नदी में, यहीं पे घाट रहता है, यहाँ पे रात भर लोग रहते हैं। तो यार नदी में आ चुके हैं, चलिए पानी के नज़दीक चलते हैं, वहाँ से और मज़ा आएगा देखने में। ये सब जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब अभी जो बारिश हुई है उसी की वजह से इतना पानी जमा हुआ है। यहीं पे यार रात भर लोग रहते हैं छठ पर्व में। बट अभी तो पूरा खाली है, कुछ दिख नहीं रहा है। बट छठ पर्व में अगर मैं रहूँगा यहाँ पे तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा यहाँ का व्यू।
तो यार फाइनली हम पानी के पास आ चुके हैं। यार पानी तो बहुत लाल है अभी, बरसात का सीजन है इसी वजह से। ये सब पानी जाकर नदी में मिलेगा। तो यार फाइनली नदी का ही व्यू दिखा दिया आप लोगों को। तो यार बारिश बंद होने के बाद जो गांव में मज़ा आता है ना, वो शहर में नहीं मिलेगा। जितना अच्छा अच्छा व्यू आपको गांव में मिलेगा देखने को, वो सब शहर में नहीं मिल सकता। देखिए तो गाइस घर पहुंच चुका हूँ और बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो वीडियो करता हूँ यहीं पे अंत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड बाय।